नमस्कार, मैं हूं सारिका पंकज। बहुत स्वागत है आपका भक्ति उपासना पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर दिव्य शक्ति और शक्ति की अवतार देवी काली को समर्पित एक पवित्र अभयारण्य है। इसकी जड़ें 19वीं शताब्दी में मिलती हैं, जब रानी रश्मोनी, एक धर्मनिष्ठ और दूरदर्शी रानी, ने इस मंदिर के विचार की कल्पना की थी। आध्यात्मिक भावनाओं और एक पवित्र स्थान बनाने की गहरी इच्छा से प्रेरित रानी रश्मोनी ने 1857 में मंदिर का निर्माण शुरू किया। मंदिर परिसर अपने आप में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जिसमें मुख्य काली मंदिर के साथ 12 समान शिव मंदिर हैं, जो विविध पहलुओं को दर्शाते हैं। दिव्य संबंध क्या है, ये भी जान लेते हैं। जो बात दक्षिणेश्वर काली मंदिर को अलग करती है, वो 19वीं सदी के महान संत और रहस्यवादी श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ इसका गहरा संबंध है। श्री रामकृष्ण की आध्यात्मिक यात्रा उन्हें दक्षिणेश्वर ले गई, जहां उन्होंने मंदिर के पुजारी के रूप में कार्य किया। यहीं पर उन्होंने दिव्य माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खुद को गहन साधना में लीन कर लिया। श्री रामकृष्ण की देवी काली के प्रति अटूट भक्ति और मंदिर के भीतर उनके दिव्य अनुभवों ने आध्यात्मिक जागृति जगाई। उन्होंने मंदिर को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा, जहां कोई सीधे दैवीय शक्ति से जुड़ सकता है, जहां भावनाएं स्वतंत्र रूप से बहती हैं और जहां आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में होता है। इसके विरासत और प्रभाव क्या हैं? श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं और दक्षिणेश्वर में उनके समय में भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके गहन अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान आज भी अनगिनत साधकों को प्रेरित करते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर अपने शांत वातावरण, इसके किनारे बहने वाली पवित्र हुगली नदी के साथ भक्तों को उस दिव्य शक्ति और शक्ति का लाभ उठाने का मौका देता है, जिसे श्री रामकृष्ण ने बहुत गहराई से संजोया था। ये आध्यात्मिकता और मानवीय भावनाओं के बीच स्थायी बंधन के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जहां की गई प्रत्येक प्रार्थना में शक्ति की शक्ति और भावनाओं की गहराई महसूस होती है। क्या आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आशीर्वाद और प्रेरणा पा सकते हैं, जैसे श्री रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर की पवित्र दीवारों के भीतर पाया था? इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और भारत के मंदिरों की आध्यात्मिक छवि को उजागर करने वाले अधिक एपिसोड्स के लिए भक्ति उपासना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। अपनी दोस्त सारिका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।